फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी नथिंग फोन 1 के बारे में, क्योंकि यहां पर आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट 3 दिन पहले ही देखने को मिल चुका है। और फ्रेंड्स, मेरा फोन एंड्रॉइड 13 पे अपडेट हो चुका है और अभी देखते हैं क्या बग अभी ठीक हुए हैं और क्या है अभी। फ्रेंड्स, देख सकते हैं अभी ये लॉक स्क्रीन पर है और यहाँ पर आप टच करिएगा तो डबल टैप पे बहुत सारे फोन ऑफ हो जाते हैं जिसमें स्क्रीन सेंसर दिया होता है। फ्रेंड्स, इस फोन में भी सारे सेंसर और स्क्रीन सेंसर भी दिया हुआ है, जो कि ऐसा देख सकते हैं कि ये मतलब ऐसे ऑफ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आपका देख सकते हैं ये जंप कर करा जा रहा है, ये डबल टैप पे ऑफ नहीं हो रहा है। तो ये एक बग है जो कि मेरे हिसाब से है, जो कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे भाई लोग के फोन में यहाँ पे ये स्क्रीन ग्रीन हो जाता है और ये एक प्रॉब्लम है। और क्या होता है कि अभी मेरे फोन में एक बग देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अभी आप ये देखिए, अभी ये ऑफ हो जाता है डिस्प्ले, तो यहाँ पर आपको एक डॉट जैसा स्पॉट होगा, यहाँ पे ब्लू कलर का देख सकते हैं आप, फोकस हो रहा होगा कैमरे पे तो ब्लैक कलर का डॉट स्पॉट हो रहा होगा। फ्रेंड्स, ये अभी ये एमोलेड डिस्प्ले है, तो इसमें क्या होता है कि जो होता है मतलब डिस्प्ले ऑफ होता है तो पिक्सल ऑफ हो जाता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा क्लियर विजिबल होता है। तो फ्रेंड्स, यही हम वेदर ऐप खोल के आपको दिखाएंगे तो वो डॉट नहीं दिखेगा आपको, देख सकते हैं यहाँ से डॉट गायब हो चुका है। वो जो डॉट यहाँ पर ब्लू कलर का दिख रहा होगा कैमरे में, मतलब पहले दिखा हो, तो फ्रेंड्स ये अभी नहीं दिख रहा है और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और आप जैसे ही यहाँ से इस ऐप से बाहर निकलिएगा वो आपको दिखना चालू हो जाएगा। ये किसी किसी फोन में है, आप में होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एंड्रॉयड 13 का अपडेट आ चुका है और यहाँ पर आपको नए नए रिंगटोन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अपडेट के बाद यहाँ पर नथिंग मशीन 2 देखने को मिल जाता था, जो कि पहले आपको 1 देखने को मिलता था पहले ही, और यहाँ पर आपको नए रिंगटोन देखने को मिल सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये नया रिंगटोन आया हुआ है और ये दूसरा है, ये नया रिंगटोन है। फ्रेंड्स, सब इसका पहले ही की तरह, ये भी सब भौकाली है उसी टाइप से, देखिए काका डाला है एकदम। फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर फॉर हार्ट पेशेंट, ये हार्ट के पेशेंट के लिए ये फोन नहीं बना है, कभी राती कहने उन्होंने बोल दिया बस, समझ रहे लिपट जाएगा जो भी होगा। देख सकते हैं आप ये कैसा कैसा रिंगटोन मार रहा है। और यहाँ पर आपको ग्लिच भी देखने को मिल सकता है, जो मिल जाएगा, नथिंग फोन है तो ग्लिच से तो ये फेमस हुआ है। और देख सकते हैं ये ग्लिच चल रहा है और नया रिंगटोन है फ्रेंड, और 7 मतलब 11 इसमें नया रिंगटोन देखने को मिल जाता है। और ये देखिए एकदम कुछ भी अच्छे से नहीं है, ये टेलीफोन वाला बनाया है। तो फ्रेंड्स, यही आया है और आपको यहाँ पर ऐप ओपनिंग और ये ऐप मतलब ऐप ओपनिंग और रिसेंट ऐप मतलब बहुत ही फास्ट से काम कर रहा है। फ्रेंड्स, ये ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ और इसके एंड्रॉयड अपडेट पे लिखा भी हुआ था, मतलब ऐसे ऐप ओपनिंग इसका बहुत फास्ट हो चुका है पहले से। और यहाँ पर आपको नए ऐप देखने को मिल जाएंगे नथिंग का वेदर, जो कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स एकदम नथिंग स्टाइल में बहुत ही प्रीमियम फील देता है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर चंदा मामा का फोटो दिख रहा होगा, जो कि आधा है और तरही के साथ। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं पूरा जो भी टेम्परेचर वगैरह, ये प्रेशर वगैरह, मतलब ये मॉइस्चर एटमोसफेयर में, ये सब दिखाता है। और ये नया एक और ऐप आया है सेफ्टी करके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेफ्टी करके एक नया ऐप आया है। आप इसमें क्या करते हैं, कर सकते हैं कि आप अपना लोकेशन वगैरह, नाम पता सब सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपका फ़ोन गुम ना हो। और फ्रेंड्स, और क्या होता है कि और अगले बग की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे लोगों के डिस्प्ले में यहाँ पर मतलब कैमरा के अराउंड पिक्सल डेड हो जाता है और जो कि पूरा ब्लैक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, और सॉफ्टवेयर से जो जो ठीक किया जा सकता था किया गया है। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ये मतलब अभी ये पहले ये फ़ोन आपको 35,000 के रेंज में मिलता था 8+128, और अभी ये फ़ोन 26 का मिलता है। फ्रेंड्स, पहले तो ओवर प्राइस लगता था, लेकिन ये 26,000 के हिसाब से इससे अच्छा फ़ोन आपको नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि यहाँ पर आपको 778G+ देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप ये 778G+ है तो आप यहाँ पर बहुत ही तगड़ा गेमिंग कर सकते हो। और यहाँ पर इसका कैमरा भी यहाँ पर आईफोन 11 को टक्कर देता है, तो समझ सकते हो कैसा होगा।
मतलब 25,000 के हिसाब से ये आईफोन को 25 फ्रेंड्स, अब आईफोन 11 को देखोगे तो 30-35 हज़ार का फ़ोन है, उससे ऊपर का फ़ोन है, और ये आपको 25 में मिल जाता है। और 25 में आप आईफोन को, मतलब आईफोन तो नहीं होगा लेकिन उसके 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 जैसा इसका कैमरा है फ्रेंड्स, और ये ग्लिप है, और आप लोग दिखा सकते हो चमकाने के लिए, फ्लैक्स मारने के लिए बहुत ही अच्छा फ़ोन है फ्रेंड्स। 25,000 के रेंज में आपको ऐसा फ़ोन नहीं देखने को मिलेगा। कौन सा फ़ोन है आपको जो 25,000 के रेंज में वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स, ये सिर्फ यही है। और फ्रेंड्स ये एक प्रीमियम फील भी देता है आपको, एकदम क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड का फील आता है, नो मतलब क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी है तो टिकटॉक वगैरह कुल आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, एकदम क्लीन एक्सपीरियंस होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे नो लैग कभी फील नहीं हुआ, मैं अभी इसको खरीदे हुए 2 महीना हो गया फ्रेंड्स, अभी तक ये एक बार भी मेरे को फंसते हुए नहीं दिखा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।